चोर की भूख लगी है, बहुत कस के, और कभी आपको किसी ने गाली दे दी, कभी आपको गुस्सा आ जाएगा, अरे गुस्सा आ गया, आप आग बबूला हो गए, और गुस्सा आएगा उसके बाद 4-5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगी। सही है, मतलब आपके क्रोध ने आपकी भूख को समाप्त कर दिया, सिस्टम पूरा बदल गया। जो आपका सिस्टम अच्छा, आप प्रसन्न रहते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आप ज्यादा खाते हैं, जल्दी पचाते हैं, पेट जल्दी पचा देता है, और यदि आप गुस्से में हैं तो आपका पेट भी बिगड़ जाएगा। पूरा सिस्टम, जितना भी हार्मोन्स हमारे शरीर में है, जितना भी ईश्वर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सब भाव से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं। इसलिए सदा खुश रहा करिए, खुश रहेंगे तो बुढ़ापा भी अच्छे से गुजरेगा, रोने से तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या, हाजी खुश रहा करो। कुल मिला के हमारा आपसे यही निवेदन है, श्री भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न कर दिया, और सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, आकुति देवहूति प्रसूति, 3 बेटियां प्रियव्रत उत्तान पाद। ब्रह्मा जी ने महातत्व की इत्यादि सृष्टि की सनकादियों को प्रकट किया, वो सब तत्व को प्रकट किया, अंत में मनु जी शत्रुपा जी को प्रकट किया, और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की पत्नी श्रीमती देवहूति माता जब करदम जी से विवाही गई, तो करदम जी तपस्या में मग्न थे। देखो, गृहस्थी शुरू करना चाहिए ना भोगों के संग नहीं, भजन के संग शुरू करना चाहिए। आजकल के बच्चे शादी होती है तुरंत भाग जाते हैं, यहाँ वहाँ, नहीं जी, जब भी शादी विवाह हो तो नई दुल्हन को पहले वृंदावन लाओ, बिहारी जी के चरणों में झुकाओ, बिहारी जी को प्रणाम कराओ, राधा रमण जी को गिरिराज जी के चरणों में, यहाँ भगवान की कृपा के संग, गुरु के आशीर्वाद के संग आपकी गृहस्थी शुरू होगी, तो एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, अच्छा रहेगा। आजकल के पति पत्नी के संबंध जो हैं, वो शादी हुई और सीधा हनीमून मनाने चले गए कहीं और, लो भैया वहां से शुरू हो रही है तुम्हारी, तो तलाक ज्यादा हो रहे हैं। पहले गुरु के आशीर्वाद से गृहस्थी शुरू होती थी, पहले शादी होने के बाद लड़का लड़की को सत्यनारायण भगवान की कथा माँ बाप सुनवाया करते थे, आजकल तो शादी मंडप के बाद सीधे दुल्हन घर नहीं जाती, सीधे ही चली जाती, एडवांस जमाना। पहले यहाँ दुल्हन घर जाती थी, दुल्हन के जो नियम होते थे घर में प्रवेश करने के, कैसे उसकी आरती उतारना है, कैसे प्रवेश, फिर वहाँ जो आपके इष्ट देवता हुआ करते थे, कुल देवता, उनको प्रणाम कराया जाता था, गांव में जितने भी देवालय हुआ करते थे सब में प्रणाम कराया जाता था, कुल देवी, नगर देवी, ग्राम देवता, सबको प्रणाम, सबके आशीर्वाद से फिर गृहस्थी स्टार्ट होती थी। आज की गृहस्थी आप सब जानते हैं कहाँ से शुरू होती है, तो आज ये सब चीजें, आजकल तो बड़ा एडवांस जमाना, शादी के पहले लड़का लड़की जाते हैं, अपने मन की फोटो वोटो खिंचवाते हैं, शादी में फिर उनकी फोटो वही लगाई जाती है संग में, वो आप लोग जानते, देखो अपने राम को तो ये सब कुछ जानकारी नहीं, हम तो कभी कभी किसी की शादी में जाना होता तो देखते, क्यों जी शादी तो आज हो रही है तो संग आज पहले से देखो खड़े साथ में, नहीं महाराज जी वो 1 महीना पहले हो गया था। लो हाँ, प्री वेडिंग बोलते होता है सबका अपना अपना, ठीक है, जमाने के हिसाब से आप जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई
आपत्ति नहीं है सब्जेक्ट से, नो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कैसे फोटो खिंचा रहे हैं, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, हमें क्या करना, हमें केवल ये कहना है आपसे कि जब आपकी शादी हो तो शादी के बाद दुल्हा दुल्हन को माँ बाप को प्रणाम करना, इष्ट को प्रणाम करना, कुल देवताओं को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, है ना, और एक अच्छी जगह से, अच्छी संगति से, सत्संग से अपनी गृहस्थी को ज्ञान के संग स्टार्ट करना। स्त्री ये समझे कि पुरुष क्या है और पुरुष ये समझे कि स्त्री क्या है। आज के बच्चों को ये नहीं पता कि स्त्री का अर्थ क्या होता, पत्नी क्यों होना चाहिए। आज तो पुरुष केवल पत्नी को, केवल स्त्री को केवल भोग का सामान समझता, बस यही है। उसे ये पता नहीं कि नारी क्यों होना जरूरी है, पुरुष क्यों होना जरूरी है। जब सत्संग में जाकर बैठोगे तब गुरु बताएंगे कि जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही महत्व नारी का है, इसलिए हमारे यहाँ अर्धांगनी कहा जाता है। पुरुष का आधा अंग नारी और नारी का आधा अंग पुरुष पूरक। मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग हैं, पर अलग अलग होने से दोनों आगे, जब दोनों एक होंगे तब मोबाइल काम करेगा सिम से और सिम एक्टिवेट होगी मोबाइल से। मोबाइल सिम अपने आप एक्टिवेट नहीं हो सकती, वो मोबाइल के अंदर जाने से एक्टिवेट होगी, और मोबाइल भी काम तब करेगा जब वो सिम प्राप्त करेगा, अर्थात नेटवर्क प्राप्त करेगा। तो यही है पति पत्नी एक दूसरे के पूरक। क्या है पति पत्नी? पूरक। पत्नी बहुत जरूरी है गृहस्थ में, पर आज लोग नारी का सम्मान करते नहीं, ना नारियां पुरुष को समझती हैं ना पुरुष, इसलिए पति पत्नी केवल शरीर के मिलने से पति पत्नी नहीं होता। शरीर का मिलना इससे ज्यादा जरूरी है आपके मन का मिलना, आपके दिलों का मिलना, आपके विचारों का मिलना। और ये विचार कब मिलेंगे? जब सत्संग करोगे, जब किसी गुरु की शरण में जाओगे तब विचार मिलेंगे, वरना शरीर